जिलाधिकारी नवनीत चहल ने दयालबाग जनकपुरी में विभिन्न विभागों के द्वारा चल रहे विकास कार्यों का दौरा कर जायजा लिया। जिलाधिकारी के दौरे में जनकपुरी महोत्सव समिति के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। नवागत जिलाधिकारी नवनीत चहल ने दयालबाग जनकपुरी में विभिन्न विभागों के द्वारा चल रहे विकास कार्यों का दौरा कर जायजा लिया। जिलाधिकारी के दौरे में जनकपुरी महोत्सव समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि जनकपुरी महोत्सव उत्तर भारत का सुप्रसिद्ध उत्सव है। जनक महल पर और जनकपुरी क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। आज जनकपुरी आयोजन से संबंधित जो हमारी जनकपुरी महोत्सव आयोजन समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी गणों के साथ, हमारे प्रशासनिक अधिकारी गणों के साथ, पुलिस अधिकारी गणों के साथ जो आयोजन यहाँ पर दयालबाग में होना है, उसके लिए यहाँ पर आज निरीक्षण के लिए आए थे। यहाँ पर जो सभी व्यवस्थाएं हैं उसको चेक किया गया, किस प्रकार से एंट्री एग्जिट को कंट्रोल किया जाएगा, उस संबंध में वार्ता की गई। जनकपुरी क्षेत्र के दौरे के दौरान जिलाधिकारी ने सौफोटा रोड पर बन रहे जनक महल का भी जायजा लिया। जनकपुरी महोत्सव समिति के संयोजक भरत शर्मा ने कहा कि वर्ष 2022 की दयालबाग जनकपुरी काफी भव्य तरह से सजाई गई है। यहां 22 सितंबर भव्य जनक महल से प्रभु श्री राम माता जानकी के साथ भक्तजनों को दर्शन देंगे और साथ ही साथ यहां पर कितनी संख्या में श्रद्धालु और लोगों के आने की आशंका है, उसके दृष्टिगत हमने जो समिति के मेंबर्स हैं उनसे ही बात की, हमारे जो प्रशासनिक पुलिस अधिकारी हैं उनसे भी बात की। जो आवश्यक ड्यूटीज़ हैं वो प्रशासन और पुलिस विभाग की लगाई जा चुकी हैं। सभी संबंधित जो विभाग हैं उनके द्वारा सभी व्यवस्थाएं जो है, ताकि आवागमन में किसी प्रकार की बाधा ना हो, सभी व्यवस्थाएं अच्छी रहे, उसके लिए निर्देश भी दिए गए थे, उन्हें भी सुनिश्चित किया गया है। हमें पूरा विश्वास है कि जो ये आयोजन है, जिस भव्यता के साथ प्रत्येक वर्ष यहाँ पर जनपद आगरा में मनाया जाता था, उसी तरीके से इस बार भी मनाया जाएगा। जनक महल पर जनकपुरी क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे जिलाधिकारी नवनीत चहल का जनकपुरी महोत्सव समिति के अध्यक्ष सुरेश चंद गर्ग ने गर्मजोशी से स्वागत किया। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।